वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आरएस वाली की बुक्स गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। प्रीवियस सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो इस वीडियो के एंड पे लिस्ट मिल जाएगी। और गाइज इस चैप्टर जो आपके आरएस अग्रवाल है क्लास 10 की, उसके सभी न्यू एडिशन के सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिए गए हैं, क्लास 9th वालों के लिए भी अपलोड कर दिए गए हैं। सो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ सी कोट थीटा इक्वल्स टू 2 देन प्रूफ दैट 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta equals to 1 upon 3, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो आपको गिवन क्या है गाइस, cot theta equals to 2 upon 3, 3 को हम राइट साइड ले आए, दैट मीन्स आपको cot theta की वैल्यू दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए डायग्राम एंड दैट इज ट्रायंगल, यू नो वेरी वेल ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस एंगल इज थीटा, राइट। नाउ यू नो फॉर्मूला फॉर दिस एंगल थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हल हल बोले सोना चांदी तोले, दैट मीन्स यहाँ से आपकी कोट की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी आप देख रहे हैं साइन कोस 10, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो दैट मीन्स कोट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहाँ से आपको मालूम हो गया कि जो ये वैल्यू है ये किसकी दी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। तो इस टाइप से कभी भी वैल्यू दो किसी को कॉन्स्टेंट मल्टीपल के इक्वल मान लो, दैट मीन्स बेस को आप मान लीजिए यहाँ पर कि बेस वैल्यू आपकी 2k है एंड परपेंडिकुलर वैल्यू आपकी 3k है, राइट। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए बी की वैल्यू 2k इसका स्क्वायर प्लस 3k इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स प्लस कीजिए, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13k स्क्वायर हो जाएगा। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 13k स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 13k स्क्वायर, सो वी कैन से स्क्वायर रूट 13k। गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड बहुत ईजी है, वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो को, इसलिए एंड तक देखिएगा, ठीक है। सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 13k, ओके। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos theta, so sin theta perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, so यहाँ से आपकी sin theta की वैल्यू आ जाएगी 3 upon root 13, क्योंकि k से ये k कैंसिल हो जाएगा, तो 3 upon root 13, सेम बेस 2k upon root 13k, दैट मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 upon root 13। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग यहाँ से 4 sin theta माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, राइट। गाइज ध्यान रखना, फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 इंटू यहाँ से वैल्यू क्या आई थी गाइज आपकी 2 अपॉन रूट 13, ठीक है। नाउ 2 इंटू 3 अपॉन रूट 13 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन रूट 13, रूट 13 दोनों में एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, रूट 13 12 माइनस 6 अपॉन 2 थ्री जो 6 प्लस 12, ठीक है। तो इस टाइप के जब इक्वेशन होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ऊपर सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 13 अपॉन रूट 13 इंटू 6 और 12 क्या आ जाएगा गाइज 18, ठीक है। इनको हमने प्लस माइनस भी कर लिया, सॉल्व भी कर लिया। नाउ यहाँ पे 13 है तो ये से कैंसिल, 6 वन ज़ा 6, 6 थ्री ज़ा 18, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 अपॉन 3 आ गई, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो गाइज इस तरीके से ये फर्स्ट मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए ये समझ आ गया, ठीक है, मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करना। नाउ गाइज अब हम लोग सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो आपने वैल्यूज पर कैलकुलेट की साइन थीटा एंड कॉस थीटा की, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ना कैलकुलेट करें तो भी गाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए देखिए वो कैसे कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, यहाँ से हम लोग रब कर देते हैं। नाउ यहाँ से आपका क्या आ गया, 6 अपॉन रूट 13 18 अपॉन रूट 13, तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई, सो 6 इंटू रूट 13 अपॉन 18 इंटू रूट 13, सो यहाँ से आपका 1 अपॉन 3 आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट मेथड।
नाउ सेकेंड मेथड से हम लोग क्या करेंगे, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। गाइस सभी मेथड आप लोगों को आने चाहिए जिससे कि इजीली आपको जो बेस्ट लगे एग्जाम में वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है, तो हम किसी तरीके से साइन रिमूव कर दें एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा भी होता है। सो अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दें, साइन थीटा से, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन थीटा से। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। सो यहाँ से आप देखते हैं साइन थीटा कैंसिल हो गया, सो 4 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 2 प्लस 6 कोट थीटा, ये आपकी टर्म आ जाती है 4 माइनस 3 इंटू एंड कोट थीटा की वैल्यू 2 अपॉन 3, 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 3, राइट। नाउ यहाँ से 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, सो 4 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 प्लस 6, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई गाइज 1 अपॉन 3, दिस इज़ योर आंसर। एंड इस टाइप से दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आता है गाइज, आपका सेम ही आएगा ऑब्वियसली। सो आप देख सकते हैं दोनों मेथड आपके बेस्ट हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे एग्जाम में उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया ना, सो जल्दी से कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट इफ sec थीटा इक्वल्स टू 17 अपॉन 8 देन प्रूव दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सो कैसे करेंगे गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए डायग्राम दैट इज ट्रेंगल, यू नो वेरी वेल ट्रिग्नोमेट्री वर्क ऑन राइट एंगल ट्रेंगल एंड दिस इज थीटा ए बी सी, फॉर दिस एंगल थीटा दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। नाउ sec थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको, सो अगेन बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो गाइस आप जानते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है एंड cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेसिप्रोकल हो जाता है। सो यहाँ से आपको sec थीटा की वैल्यू क्या दी है गाइस, 17 अपॉन 8, इट मींस आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की वैल्यू दी हुई है। सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाता है आपका 17 के, इस टाइप से कभी भी दिया हो तो किसी कॉन्स्टेंट के हम लोग मल्टीपल के इक्वल मान लेते हैं एंड बेस आपको कितना दिया है 8 के दिया है। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्टली परपेंडिकुलर, सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं अच्छे से ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, सो फाइंड आउट क्या करना है, बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। सो गाइस 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, माइनस 64 के स्क्वायर, सो माइनस कीजिए 5, 8 में 6 गया 2, 225 के स्क्वायर। नाउ गाइज आप लोग अच्छे से जानते हैं 15 किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। कभी भी इस टाइप से स्क्वायर ट्रिक जाननी हो तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक 5 का स्क्वायर 25 एंड इसे नेक्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 के स्क्वायर, सो वी कैन से 15 के, दैट मीन्स बी सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 के आ गई। ठीक है, नाउ अब गाइज हम लोगों को क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करेंगे। नाउ साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा, राइट। नाउ अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं, ठीक है। सो फर्स्टली हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई, 15 के अपॉन 17 के से के कैंसिल, दैट मीन्स 15 अपॉन 17,
एट के अपॉन 17 के से के कैंसिल, तो 8 अपॉन 17 एंड टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है आपकी 15 अपॉन 8। ओके सो फर्स्टली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 3 माइनस 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 15 अपॉन 17 इसका स्क्वायर, 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 8 अपॉन 17 इनका स्क्वायर माइनस 3। ठीक है सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 4 इंटू 225 अपॉन 289, 4 इंटू 64 अपॉन 289 माइनस 3। नाउ गाइस एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 289 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 225 अपॉन 4 इंटू 64 माइनस 3 इंटू 289, क्योंकि हमने 289 एलसीएम ले लिया और यहाँ का तो हमने छोड़ ही दिया, इनके अपॉन में भी तो गाइस 289 था। ठीक है तो यहाँ पे अपॉन में भी आपका 289 है। नाउ सॉल्व करते हैं हम लोग, जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 289 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 थ्री ज़ा 27, 8 थ्री ज़ा 24 एंड 2 26, 2 नाउ 3 टू ज़ा 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8, 867 माइनस 5 फोर ज़ा 20, 4 टू ज़ा 8, 2 10, 4 टू ज़ा 8 19, राइट। नाउ अपॉन 289, नाउ 4 फोर ज़ा 16, 6 फोर ज़ा 24, 256 माइनस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज 867 अपॉन 289। नाउ सो गाइज सॉल्व करते हैं, 900 में से 867 माइनस करेंगे तो 33 अपॉन 289 एंड इन दोनों को माइनस करेंगे तो 611 माइनस का अपॉन 289। राइट नाउ आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33 इंटू 289 अपॉन माइनस 611 इंटू 289। ओके सो 289 से 289 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स वैल्यू आ गई 33 अपॉन 611। एंड गाइज नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, राइट। तो 3 माइनस 10 थीटा की वैल्यू 15 अपॉन 8, सो 15 अपॉन 8 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 15 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, राइट। तो 3 माइनस 225 अपॉन 64, 1 माइनस 3 इंटू 225 अपॉन 64, सो सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 64 माइनस 225 अपॉन 64 माइनस 3 इंटू 225 अपॉन 64। नाउ गाइस 64 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 थ्री ज़ा 12 कैरी 1, 6 थ्री ज़ा 18 119 माइनस 225 अपॉन 64। नाउ 64 माइनस 5 थ्री ज़ा 15 कैरी 1, 3 टू ज़ा 6 एंड 1, 3 5 is a 15 carry 1, 3 2 is a 1 6 7 and 3 2 is a 6, right। नाउ अपॉन 64। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से जब हम 225 में से माइनस करेंगे तो 33 माइनस के अपॉन 64 एंड इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 611 माइनस के अपॉन 64। सो ये 64 से आपका 64 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 33 अपॉन 611 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ से आपकी दोनों ही साइड इक्वल आ गई। सो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया है। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं आप लोग एंड करते हैं एंड गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको प्लेलिस्ट दी गई है, यहां पर आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।